ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार। पिछले 10 वर्षों में भारत के लोकतंत्र को किस तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है, पिछले 10 वर्षों में ऑपरेशन लोटस चलाकर अलग अलग सरकारों को कैसे गिराने की कोशिश की गई है, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है। और जो सूरत से शुरुआत हुई है वो इस बात का संकेत है कि 10 साल में ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी ने अलग अलग राज्य सरकारों को तोड़ा, विधायकों को तोड़ा, सरकारों को गिराया, लेकिन 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा, सूरत इसकी शुरुआत है। सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म करेगी। मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यह आपका अंतिम चुनाव है, इसके बाद आपको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। और आपने देखा, कभी आपने नहीं सुना होगा, लोकसभा का चुनाव देश की सत्ताधारी पार्टी बगैर मतदान के जीत जाती है, बगैर वोट के जीत जाती है, बगैर चुनाव के जीत जाती है। सूरत में सारे कैंडिडेट्स का पर्चा खारिज कर दिया गया, न सिर्फ कांग्रेस का, बाकी सारे दलों का भी पर्चा खारिज कर दिया गया, बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों का भी पर्चा खारिज कर दिया गया। और चुनाव के पहले प्रमाण पत्र हाथ में भाजपा के कैंडिडेट को पकड़ा दिया गया। 2024 के बाद यही देश में होने जा रहा है। खाली दिखावे के लिए एक संविधान होगा जो नागपुर का आरएसएस का संविधान होगा, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, जिसमें किसान के अधिकार की बात नहीं होगी, जिसमें महिलाओं के, युवाओं के रोजगार की बात नहीं होगी, उनके सुरक्षा की बात नहीं होगी। एक आरएसएस का संविधान होगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म किया जाएगा, आरक्षण को खत्म किया जाएगा, चुनाव को खत्म किया जाएगा। पिछले 10 साल का इतिहास मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं। उत्तराखंड में इन्होंने चुनाव नहीं कराया, सरकार कांग्रेस की तोड़ के गिरा दी, अपनी सरकार बना ली। अरुणाचल में चुनाव नहीं कराया, जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। महाराष्ट्र में ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा मरवा के, भय दिखा के चुनाव नहीं कराया, सरकार तोड़कर बना ली। गोवा में मात्र 13 सीट होने के बावजूद जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं कराया, जोड़ तोड़ करके विधायकों को तोड़ के सरकार बना ली। कर्नाटक में चुनाव नहीं कराया, जोड़ तोड़ करके विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। और एक फैसला जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगाया, एक फैसला माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगाया कि भारत का लोकतंत्र खत्म होने वाला है, वोट का अधिकार खत्म होने वाला है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए ये चंडीगढ़ के चुनाव में कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई थी। मैं चाहूंगा ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद सूरत और अब पूरे देश में इसी बात की तैयारी है। बीजेपी ने वोटों की चोरी करते हुए हेरा फेरी से मेयर का चुनाव जीता, वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। अब यहां से शुरू होती है भाजपा की असली साजिश। आपको काउंटिंग पर लगे स्कैनर्स दिखाते हैं
कि कैसे भाजपा देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। भाजपा के पीठासीन अधिकारी 36 वोटों की काउंटिंग शुरू करते हैं और पहचान पहचान कर एडीआर गठबंधन की वोटों को खराब करने के अपने प्लान को अंजाम देते हैं। जिन वोट पर कुछ नहीं करना था उन्हें जल्दी जल्दी साइन करके आगे बढ़ा रहे हैं। अब आई आम आदमी पार्टी के पार्षद की वोट, बेईमानी करनी थी तो थोड़ा सा रुके, ऊपर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है और फिर चुपके से पेन से डॉट मार के वोट को खराब कर दिया। फिर बीजेपी की वोट आई तो आराम से आगे बढ़ा दी। उसके बाद वो वोट आई जिस पर गड़बड़ी करनी थी तो चुपके से फिर से पेन चला गया और वोट को खराब कर दिया। उसके बाद विपक्ष की एक और वोट आई यानी तीसरी वोट और उसने भी खराब कर दिया। फिर चौथी वोट खराब की, फिर पांचवी वोट खराब की, उसके बाद छठी, फिर सातवीं और ये आठवीं। आपने देखा 8 वोट कैमरे के सामने खराब करते हुए रंगे हाथ भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई। तो इसलिए मैं कहता हूं जब लल्लू सिंह भाजपा का सांसद उसके मुंह से निकल गया कि संविधान बदलना है 400 सीट दे दो, अरुण गोविल जी वो कहते हैं 400 सीट दे दो संविधान बदलना, ज्योति मिर्धा कहती है 400 सीट चाहिए संविधान बदलना है, अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के मंत्री रहे कहते हैं 400 सीट दे दो संविधान बदलना है, संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। और यही इस बात का उदाहरण है जो आपके सामने हमने दिखाया, चंडीगढ़ में हुआ, सूरत में हुआ, अलग अलग राज्य सरकारों को पिछले 10 वर्षों में तोड़ तोड़ के गिराया गया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमने तो नारा दिया है भाजपा के 3 है भाई, मुझे मालूम ही दिया जाए ईडी आईटी सीबीआई। अब आपको और दिखाता हूं अमित शाह के क्षेत्र में कैंडिडेट के साथ क्या हुआ, तो बचा लो। ये गांधीनगर के ये गांधीनगर का प्रत्याशी है, इसका मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है, अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है, हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मैं देशवासियों से अपील करता हूं इस देश को बचा लो, ये देश खतरे में है, ये देश खतरे में है, देश के लोगों से अपील कर रहा हूं देश को बचा लो। और इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो भारत में। ये गांधीनगर का कैंडिडेट है, रो रहा है, क्या नाम इनका, पूरा शुरुआत से दिखाइए। ठाकुर जितेंद्र सिंह, बंद कर दो। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने पूरे देश में एक कोहराम मचा रखा है, डंडे के जोर से शासन को चलाना चाहते हैं, चुनाव को खत्म करना चाहते हैं, बगैर चुनाव के ये लोग जीतना चाहते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कल दिल्ली में भी मेयर चुनाव है, प्रिसाइडिंग अधिकारी को लेकर के मंत्री का कहना है कि बगैर उनसे कंसल्ट किए नाम भेज दिया गया, आपको लग रहा है कल के चुनाव में ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए इसके बारे में जो हमारे संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो सारी बात आपके सामने रखेंगे,
मैं कोई आधी अधूरी बात रखूं तो ठीक नहीं है। आशंका है आपको ऐसा हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूं कि उनको विस्तृत जानकारी है इस विषय की, जो हमारे संबंधित विभाग के नगर विकास विभाग के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जी, वो आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। सर, तिहाड़ में घटना घटी है, तिहाड़ में जहां पर बचस की लड़ाई में 4 लोग जो घायल हो गए हैं और जेल के अंदर ही कैदियों में आपस में भिड़ंत हुई है। आपको मालूम है जेल के अंदर हत्या भी हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या हो चुकी है। तो जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करते। भाई ऐसी ही कोई घटना जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगी, कौन जवाब देगा? बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे लोग, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। जब तिहाड़ जेल के अंदर हत्या की घटना हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या, मैं बता रहा हूं पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी घटना को ये लोग अंजाम दिला सकते हैं? शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखते हैं, कहीं मौका पाके ऐसी कोई घटना करा देंगे, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल की जिंदगी को जेल के अंदर खतरा है, उनके जीवन को खतरा है और उनके खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। 23 दिन तक तो उस आदमी को इंसुलिन नहीं दी गई, तो ये तो जानलेवा कार्रवाई है ना। अगर आप एक जीवन रक्षक दवा जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए, शुगर बढ़ने पर वो कोलैप्स कर सकता है, शुगर अचानक डाउन होने पर कोलैप्स कर सकता है, और आप उसकी जिंदगी के साथ 23 दिन तक खिलवाड़ करते रहे, आपने इंसुलिन नहीं दिया, इतना हो हल्ला हुआ तो इंसुलिन दिया आपने। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का परिवार, उनकी पत्नी, दिल्ली के लोग, देश के लोग जो अरविंद केजरीवाल जी से बेहद प्यार करते हैं, वो चिंतित हैं, परेशान है इस बात को लेके कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या घटना ये लोग अंजाम दे देंगे, क्या साजिश रच देंगे, कैसे ये उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और ये जो आपने बताई घटना, ये इस बात का उदाहरण है। आज की तारीख में तो मुख्यमंत्री अंदर है जेल में। भाई एक चीज आप मुझे बताइए, एक सिटी का शीशे की दीवार खड़ी करके कराते हैं आप, उनकी मंत्री की मुलाकात कैंसिल कर देते हैं, उनके सांसद की मुलाकात कैंसिल कर देते हैं, तो ये किस बात का संकेत है? ये क्या बताता है? अगर आप चाहें तो भाई, आपको याद नहीं इसी तिहाड़ में ऑफिस, इंटरनेट, फोन, सारी सुविधाएं सुब्रत और राय सहारा को दी गई थी, चंद्रा ब्रदर्स को दी गई थी इसी तिहाड़ जेल के अंदर। लेकिन केजरीवाल के खिलाफ तो साजिश करना है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री के खिलाफ तो उनके जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ करना है, ये सबसे बड़ी बात है। सर, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो आप जो है पीएम की कुर्सी का भी ऑप्शन कर सकते हैं 1 साल के लिए। तो इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, प्रधानमंत्री ने मान लिया, ये तो बड़ी खुशखबरी दी आपने। प्रधानमंत्री ने मान लिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अभी तक तो 400 पार कर रहे थे, पहली बार वो मान गए कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अब ऑप्शन की बात बता रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री की कुर्सी ही नहीं, पूरे देश को नीलाम करने का काम भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अपने एक ही दोस्त को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, 3.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का बैंक सेटलमेंट के जरिए माफ कर दिया, और तो और अपने भतीजे को जिसको
क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। तो नीलाम तो आप कर रहे हैं इस देश को, नीलाम तो आप कर रहे हैं इस देश के संसाधनों को। भाई आपके भतीजे को बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको आपने बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। और गरीब आदमी का लड़का जो चार चार घंटे परिश्रम करता है कि सेना में भर्ती होंगे, उसको आपने सियाचिन भेज दिया, -40 डिग्री टेम्परेचर में जाओ बेटा ड्यूटी करो, +50 डिग्री टेम्परेचर में जाओ जैसलमेर में सूली पर चढ़ जाओ। गरीब का बच्चा -45 डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी करेगा और मोदी जी का भतीजा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। आप बताइए ना, ये अग्निवीर क्या है? एक फौजी जवान को मैं सुन रहा था, कहता ये तो ऐसी योजना है कि पता चला पिता जो है वो नौकरी कर रहा है सेना में और बेटा रिटायर हो गया। पिता नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया 4 साल में। ये है अग्निवीर। तो इसलिए इस देश को कौन नीलाम कर रहा है, इस देश के संसाधनों को कौन नीलाम कर रहा है, और प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी की बोली तो पाकिस्तान के व्यापारियों तक ने लगा दी, बिना बिना अपॉइंटमेंट के, बिना किसी कार्यक्रम के चले गए थे बर्थडे का केक काटने, और बाद में पता चला कि बिजली का ठेका कर दिलाने गए थे। गए थे नहीं गए थे बिजली का ठेका दिलाने, बिजली स्टील ये काम है प्रधानमंत्री जी का। आप लोग की आप भी जनसभा और रैली है, सब लोग पकड़ दिए जो हमारे प्रचार के कार्यक्रम को, और दिल्ली के अंदर जो हमारा कार्यक्रम बना है अलग अलग नेताओं के प्रचार का, उसकी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। कल सुनीता केजरीवाल जी का, जैसे आपने बताया, अलग अलग क्षेत्रों में उनके प्रचार अभियान की शुरुआत हो रही है। भगवंत मान जी भी आएंगे, वो भी प्रचार करेंगे दिल्ली के अंदर। और भी जो हमारे नेतागण हैं, वो चाहे गोपाल राय जी हों, आतिशी जी हों, सौरभ जी हों, संदीप पाठक हों, हम सब लोग जाकर प्रचार कर रहे हैं। हमारा एक ही नारा है, जेल का जवाब वोट से दीजिए। जिस आपके बेटे ने आपके लिए बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा का इंतजाम किया, आज उसको मोदी जी ने जेल में डाल दिया है और जेल से उनको बाहर निकालना है, तो उनको जेल का जवाब वोट से देना होगा। सर, प्रधानमंत्री लगातार इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पे हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देश की संपत्ति को लेके विशेष समुदाय को देने की तैयारी में कांग्रेस है। भैया ये बताइए, मैंने तो आपको नाम गिनवा दिया, हमारा तो बैंक लूट लिया प्रधानमंत्री जी की सरकार ने। बताइए 20,000 करोड़ लूटा कि नहीं जनता का पैसा नीरव मोदी मेहुल चौकसी ने? बताइए 3,000 करोड़ रुपए लूटा कि नहीं जनता का पैसा? वो किसकी संपत्ति थी? वो मोदी जी की संपत्ति थी क्या जो 3,000 करोड़ ललित मोदी ने लूटा? वो तो जनता की संपत्ति थी ना। वो किसकी संपत्ति थी 6,000 करोड़ रुपए जो नितिन संदेशरा लूट के भाग गया? वो किसकी संपत्ति थी 10,000 करोड़ रुपए जो विजय माल्या लेके भाग गया? वो किसकी संपत्ति थी 15,00,000 करोड़ रुपए जो मोदी जी ने अपने दोस्तों का माफ कर दिया? वो किसकी संपत्ति थी 3,50,000 करोड़ रुपए जो बैंकों में कर्जा मोदी के दोस्तों ने लिया था और मोदी जी ने उसको माफ कर दिया? बताइए किसकी संपत्ति थी? मैं आपको कहता हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये जितने बेईमान हैं जिनकी संपत्तियां नरेंद्र मोदी जी ने माफ की है, जिनकी संपत्तियों पर नरेंद्र मोदी जी का संरक्षण है, जिनकी संपत्तियां भारत के लोगों को लूटकर दिन दूना रात चौगुना बढ़ाई गई हैं, जो 2,50,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेके बैठा हुआ है, जिसने प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का 15,00,000 करोड़ रुपए अपने दोस्तों पर लुटवाया है, इस सब की जांच होगी। और सारा पैसा, इन लुटेरों का सारा पैसा जनता को, गरीबों को दिया जाएगा। स्कूल बनवाए जाएंगे, अस्पताल बनवाए जाएंगे। पूरे देश को लूट के कंगाल कर दिया, अभी भी बात करते हो आप?
पोर्ट, एयरपोर्ट, स्टील, कोयला, गैस सब अपने दोस्त को देते हो। मोदी जी के लिए उनके दोस्त प्राथमिकता हैं। मोदी जी अपने दोस्तों के लिए काम कर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।